Good evening, dear friends, and praise the Lord for tonight and for the joy of being in the presence of God and considering God's word. और मेरे प्रियो, आज की शाम मैं आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के शाम के हम परमेश्वर की उपस्थिति और इस बाइबल अध्ययन में मौजूद हैं। All of you are welcome. और आप सबका स्वागत है। And since it is still online, और क्योंकि अभी तक ये बाइबल अध्ययन ऑनलाइन माध्यम से है, I hope when you listen to this study, you will sit together as a family. मुझे पूरी आशा है कि जब आप इस अध्ययन को सुनेंगे, आप एक पारिवारिक रूप से एक साथ बैठकर इसका भाग बनेंगे। Because 1 Corinthians contains such teachings that all of us need, including children and young people and seniors, everyone. और पहला कुरिन्थियों में ऐसी शिक्षाएं मौजूद है जिनकी जरूरत सबको है, चाहे वो वृद्ध अवस्था के लोग हों, जवान हों, बच्चे हों। And from chapter 1, Apostle Paul has been dealing with questions and problems that the Corinthian church had. और पहले कुरिन्थियों की पत्री और उसके पहले ही अध्याय से पौलुस प्रेरित उत्तर में लिख रहा है कई सारी समस्याएं जो कुरिन्थ के विश्वासी उसके सामने रखते हैं। Corinthian church was in a way a paradox. और एक तरीके से देखा जाए तो कुरिन्थ की कलीसिया कुछ उलट फिर थी। That church has all the gifts of the Holy Spirit. और उस कलीसिया के पास पवित्र आत्मा का हर एक वरदान मौजूद था। Now, so you don't think that a church or a congregation where in which people are used to manifest all the gifts of the Holy Spirit. और आप नहीं सोचते कि ऐसी कलीसिया जहाँ पर जहाँ के विश्वासी पवित्र आत्मा के हर एक वरदान का प्रकाशन करते हैं, that such a church will have problems. कि ऐसी कलीसिया में भी कोई समस्या हो सकती है। And yet, we know that Corinthian church also was a church full of problems. लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि कुरिन्थी कलीसिया एक ऐसी कलीसिया थी जो हर प्रकार की समस्याओं से भरी थी। And all kinds of problems. और हर प्रकार की समस्याएं। Sin inside the church. और कलीसिया के भीतर पाप। Including sexual sin. और जिस व्यभिचार या शारीरिक संबंध का भी जो पाप वहाँ पर मौजूद। And a kind of immorality that even the heathen people don't. और उस प्रकार की अनैतिकता जिसको गैर यहूदी या विश्वासी भी नहीं करेंगे। So you may ask why? Then the gifts of the Holy Spirit may not have been real, genuine. It may have been fake. और आप पूछ सकते हैं क्यों? और कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा के वरदान सच्चे नहीं थे, झूठे हैं। No, it was not. लेकिन ऐसा नहीं है। Apostle Paul commended that church has all the gifts. और लेकिन पौलुस प्रेरित ने तो उस कलीसिया को शाबाशी दी कि उसके पास पवित्र आत्मा के सारे वरदान मौजूद हैं। And he never questioned that claim. लेकिन उसने इस बात पर कभी भी कोई अंगुली या सवाल नहीं उठाया। That means the Holy Spirit also was working there. क्योंकि इसका मतलब यह था कि पवित्र आत्मा उस कलीसिया में कार्य कर रहा था। But unfortunately, the members of the congregation did not take the work of the Holy Spirit very seriously and honor the Holy Spirit. लेकिन दुर्भाग्य तो यह था कि कलीसिया के लोगों ने पवित्र आत्मा के कार्य को गंभीरता से नहीं लिया और पवित्र आत्मा के कार्य का आदर या उसकी उपस्थिति का आदर नहीं किया। And the Holy Spirit must have been grieved. और पवित्र आत्मा शोकित हुआ। And the slowly the congregation has caused the Holy Spirit of fire to quench. और इसके बाद धीरे-धीरे कलीसिया ने पवित्र आत्मा की आग को बुझाना शुरू कर दिया। So I also hoped that more believers will listen to these teachings. अब मुझे ये मैं ये आशा करता हूँ कि और ज़्यादा विश्वासी इन शिक्षाओं का भाग बनेंगे। Because Apostle Paul deals with all these problems which are existent even now. क्योंकि पौलुस प्रेरित इन सारी समस्याओं का सामना करता है, उत्तर लिखता है जो आज के इस आधुनिक कलीसिया में भी मौजूद हैं। Yes, in this modern time also the churches face the same kind of problems. And they may be wondering what is the answer to this. और हाँ, ये तो सही है कि आज के आधुनिक समय में भी कलीसिया इन समस्याओं से होकर के निकलता है और सब सोचते हैं कि इसके क्या समस्या, इसका क्या कारण है। Apostle Paul gives the answer. और पौलुस प्रेरित इस बात का उत्तर देता है। He was guided by the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा उसका मार्गदर्शन किया जाता है। And he told the first thing he dealt with was the problem of division, which is the greatest problem that can cause
a church to be completely destroyed. और इसलिए एक पहली समस्या जिसका सामना या जिसके प्रति पौलुस ने लिखा वो था विभाजन की समस्या जो किसी भी कलीसिया का विनाश कर सकता है. And that starts from chapter 1. और इसकी शुरुआत पहले अध्याय से होती है. And nowadays we are dealing with chapter 11. और आज के दिनों में हम 11वें अध्याय पर अपने अध्ययन को रखे हुए हैं. We have considered up to verse 15. और हमने 15वें वचन तक देखा है. And so we will now consider the rest of the chapter. और इसके बाद अब हम दूसरे बचे हुए जो अध्याय हैं उनको देखेंगे. Verses chapter 11 verses 17 to 34. और पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 17वें वचन से लेकर के 34वें वचन तक. And this section deals with the Lord's Supper. और ये वचन का ये भाग बात करता है प्रभु भोज के विषय में. This is very very important. और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण भाग है. So I hope all of you who are listening will take these teachings very seriously and understand what the Lord's Supper is, how it must be observed. और मुझे पूरी आशा है कि आप सब जो इस शिक्षा का भाग बने हैं आप इस बात को गंभीरता से लेंगे और कि कैसे आपको परमेश्वर की देह का एक भाग बनना है. And so let us begin now. और आइए हम शुरू करेंगे. The whole chapter deals with the question of worship. और पूरा ये अध्याय बात करता है आराधना के सवाल के ऊपर. And we have considered from verse 1 up to 16, it all has to do with worship, public worship. 11वें अध्याय के पहले वचन से लेकर 16वें वचन तक देखा है और सारे ये वचन बात करते हैं आराधना के विषय में. And this section 17 to 34 verses this whole section deals with the question of Lord's Supper. और ये वचन का study on the Lord's Supper. और वचन का ये भाग, वचन का ये अध्याय बात करता है प्रभु भोज के विषय में या प्रभु मेज के विषय में. How it is and how it is not to be observed. और कैसे इसे करना है और कैसे इसे नहीं करना है. And it is one of the ordinances of the church. और ये कलीसिया का एक ऐसा परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक सिद्धांत है. Yes, it is called a sacrament. और इसे कहा जाता है एक सिद्धांत, एक शुद्ध. It is sacred, it is holy. और ये शुद्ध है, ये पवित्र है. And there are two ordinances the Lord has given the church to do continuously. और दो ऐसी सिद्धांत हैं जो परमेश्वर ने कलीसिया को दिए हैं निरंतर करने के लिए. One is baptism. और पहला है पानी का बपतिस्मा. And the second one is Lord's Supper. और दूसरा है प्रभु भोज. Baptism is only once. याद रखिए बपतिस्मा तो सिर्फ एक बार का है. Because through which we shall enter into the body of Jesus Christ. जिसके द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के देह के एक भाग बनते हैं. And Lord's Supper is to be observed and taken as often as God's people come together. लेकिन प्रभु भोज को तो हमें जितनी बार परमेश्वर के लोग और उसकी कलीसिया एक साथ आती है उतनी बार हमें करना है. And it is sacred, therefore there are instructions very clearly given in this passage. क्योंकि ये बात, ये सिद्धांत पवित्र और शुद्ध है तो उसके लिए दिशा निर्देश वचन में दिए गए. Paul rebukes, corrects the Corinthian church where this ordinance was misused and abused. और पौलुस कलीसिया के विश्वासियों को डांटता है, फटकारता है और उन्हें अनुशासित करता है वहां पर जहां पर कलीसिया इस सिद्धांत का गलत उपयोग करती है. The way Lord's Supper was celebrated or celebrated in this church needed such rebuke. और जिस तरीके से कुरिन्थ की कलीसिया में प्रभु भोज को मनाया जा रहा था या किया जा रहा था, अभ्यास किया जा रहा था, उसे ऐसे ही डांट और फटकार की जरूरत थी. So first of all, let us consider verse 17. आइए हम पहले 17वें वचन को देखें. 17 says, "Now in giving these instructions, I do not praise you, since you come together not for the better, but for the worse." परंतु ये आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठा होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है. And remember earlier, Apostle Paul had praised them for being diligent in the observance
of the traditions and customs of the church. और पहले आप देखेंगे किस प्रकार पौलुस उनकी सराहना करता है कलीसिया के सिद्धांतों को मानने के लिए और उनका अभ्यास सही रीति से करने के लिए। But in this matter of the Lord's Supper, लेकिन प्रभु मेज की बात जहां पर आती है, he said, in certain terms, I have no praise for you. इस बात के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए कोई सराहना नहीं है। Now when the apostle Paul asserts this, और जब पौलुस प्रेरित इस बात को कहता है, it is for us to consider this very seriously. Why he could not praise the Corinthian church? The same thing is applied to today's church. कि क्यों कुरिन्थ की कलीसिया की सराहना पौलुस नहीं कर पाया? ये हमें देखना है और यही बात आज की हमारी कलीसिया पर भी हमें लागू करना है। I am sure if the apostle Paul physically were to visit today's churches in many many places in India, I am sure he will have a harsher term to use in rebuking. और मुझे ये पूरी आशा है कि अगर पौलुस प्रेरित इस समय यहाँ मौजूद होता और कई अलग अलग कलीसियाओं में जाता और देखता तो उसके पास और कठोर शब्द होते इस बात को बोलने और समझाने के लिए। And therefore, let us be very, very mindful and very, very careful about studying this passage and then compare it with the way we do Lord's Supper. और इसलिए बड़ी गंभीरता के संग हमें इस अध्ययन को देखना है, इस अध्याय को देखना है और अपने प्रभु भोज को हम कैसे करते हैं उससे उसकी तुलना करनी है। Apostle Paul's forcefulness in this particular matter shows how important it is. Paulus prerit ka is vishay par jo ek dabav hai, ek bojh hai, wo dikhata hai ki ye vishay kitna gambhir hai. And with what seriousness this particular sacrament must be observed. Aur kitni gambhirta ke sang is pavitra अनुष्ठान को हमें मनाना है। It is a celebration. ये एक उत्साह है। And it should be celebrated as it should be celebrated. और इसको हमें मनाना है उसी रीति से जिसे इसे मनाना चाहिए। He admonishes them. ये पौलुस उन्हें याद दिलाता है। You come together to celebrate the Lord's Supper. कि तुम एक साथ आते हो प्रभु मेज में उत्साह मनाने के लिए। But instead of generating a great joy and thus edify yourselves. कि इसके बजाय कि तुम एक बड़े आनंद और एक महान आनंद को पैदा करो और उसके द्वारा खुद को शुद्ध करते चले जाओ। You are coming together and pull down each other. And tear down. लेकिन तुम तो एक साथ इसलिए आते हो ताकि एक दूसरे की खिंचाई करो और एक दूसरे को चीड़ फाड़ डालो। That is the number one thing Apostle Paul observed. ये वो पहली बात थी जो पौलुस प्रेरित ने देखी। What is fellowship for? और सहभागिता किस लिए है? What is the church? कलीसिया क्या है? It is a family of God. ये परमेश्वर का परिवार है। When family of God comes together, जब परमेश्वर का परिवार एक साथ आता है, or saints of God comes together, या परमेश्वर के संत एक साथ आते हैं, must be accomplished. किस बात को पूरा करना है? The fellowship is to edify one another and encourage and build up one another. लेकिन सहभागिता तो इसलिए है कि हम एक दूसरे को बढ़ाते चले जाए, शुद्ध करते चले जाए, एक दूसरे को मजबूत करें। But instead of generating such a great joy, लेकिन इसकी बजाय कि वो ऐसे आनंद को उत्पन्न करें, and instead you are coming together and pull down each other. लेकिन इसकी बजाय तुम तो एक साथ आते हो ताकि एक दूसरे को नीचे दिखाओ, नीचे गिराओ. That is a big complaint. और ये एक बड़ी शिकायत है. It is a serious complaint. ये गंभीर शिकायत है. And God is watching. और परमेश्वर देखता है. And it is He who is hurt very deeply. और ये तो परमेश्वर ही है जिसे बड़े गहरे रूप से इस बात को लेकर चोट पहुंची. And the second thing. दूसरी बात. Is from verse 18 to 22. वो 18वें वचन से लेकर 22वें वचन तक है. In this passage, और ये वचन के इस भाग में we read about the corruption of the Lord's Supper. हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु भोज में भी भ्रष्टाचार आ चुका है। Let us read, look into this passage. आइए हम इस वचन के भाग की ओर देखें। And Pastor Mahendra will read it 18 to 22. 18वें वचन से लेकर 22वें वचन तक। क्योंकि पहले तो मैंने ये सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठा होते हो तो तुम में फूट होती है और मैं इस पर कुछ कुछ विश्वास भी करता हूँ क्योंकि दलबंदी भी
तुम में आवश्यक होगी, इसलिए कि जो लोग तुम में खड़े हैं वे प्रकट हो जाएं। अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं? या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूँ? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता। See the corruption of the Lord's Supper. और यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु मेज में भ्रष्टाचार। In the first century. और पहली सदी में। In the Corinthian church. कुरिन्थ की कलीसिया में। How was the Lord's Supper got corrupted? और कैसे प्रभु मेज में भ्रष्टाचार आया? By abusing it. उसमें दूषित करने के द्वारा। Because those days. क्योंकि उन दिनों में। In the New Testament time. नए नियम के समय में। The Corinthians observed the Lord's Supper with a full-fledged meal. जो कुरिन्थ के विश्वासी थे, वो प्रभु मेज को मीट या मांस खाकर सहभागिता करते। And they called this love's feast. और वे इसे प्रेम का भोज कहते थे। Remember. याद रखिए। And the Lord's Supper was a part of this feast. और याद रखिए, ये प्रेम भोज या ये प्रभु भोज इस प्रेम भोज का एक भाग था। Today, these abuses may not be visible because in most churches it is celebrated by taking a small piece of bread. और हो सकता है आज के दिन ये शोषण या इस प्रकार की बातें हमें ना दिखाई दें आधुनिक कलीसियाओं में आज के दिन, क्योंकि हम लोग प्रभु मेज एक छोटे से रोटी के टुकड़े को खाकर एंड अ स्मॉल ग्लास ऑफ ग्रेप जूस और या एक छोटा सा प्याला वो दाख रस का वी पुट इन आवर लिप्स एंड जस्ट वन जिप और हम अपने मुंह से लगाकर सिर्फ एक ही घूंट में पी लेते हैं। But if you notice here, लेकिन अगर एक बात को आप यहाँ पर देखेंगे, there were four abuses, चार ऐसे शोषण थे जो वहाँ पर हुए, and they are applicable even today. और ये बातें ये आज के दिन भी लागू होती हैं। First of all, पहली बात, there were divisions and groupism within the church. कलीसिया के भीतर समूहवाद और विभाजन मौजूद था, which corrupted the Lord's Supper, जिसने प्रभु मेज में भ्रष्टाचार को ले आया। सेम कॉन्ग्रीगेशन, यही कलीसिया, द सेम फैमिली ऑफ गॉड, और परमेश्वर की यही परिवार, सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठकर, सिंगिंग टुगेदर, एक साथ गीत गाते, एंड वर्शिपिंग टुगेदर, एक साथ आराधना करते, एंड व्हेन द लॉर्ड्स सपर टाइम कम, लेकिन जब प्रभु भोज का समय आता, द ऑल दिस डिविजंस एंड ग्रुपिज्म एवरीथिंग बिकम वेरी विजिबल, तब ये सारा समूहवाद और ये सारा विभाजन आंखों से देखा जा सकता, एंड व्हेन सच डिविजंस एंड parties exist within the church. और जब ऐसे विभाजन और समूह कलीसिया के भीतर मौजूद हैं, the concentration will not be on the Lord. तब वो ध्यान या एकाग्रता परमेश्वर की ओर नहीं होगा. I want you to get this thing very clearly. मैं चाहता हूँ इस बात को बड़े स्पष्ट रूप से समझिए. What is the Lord's Supper all about? कि परमेश्वर का ये भोज या प्रभु भोज किस विषय में? It's all about Jesus Christ. ये सिर्फ पूरा संपूर्ण रीति से यीशु मसीह के विषय में है. It's all about his sufferings and his pain and his agony that he went through. In order to pay the price for your salvation. और ये आप उसका दर्द, उसकी ताड़ना, उस विषय में जो उसने आपके लिए सही. And yet they ignore all that. लेकिन फिर भी ये लोग इन सारी बातों को दरकनार करते हुए. The concentration is no longer on Jesus Christ the person. अब इनका ध्यान या एकाग्रता यीशु मसीह पर नहीं है. The concentration was only on themselves. लेकिन उनकी एकाग्रता या ध्यान अपने आप पर है. And the group that each one belongs. और एक समूह जिसके लिए हर एक जिस समूह का भाग है उस पर. And when such divisions and parties exist within the church. जब ऐसे विभाजन और समूह कलीसिया के भीतर पाए जाते हैं, How can the concentration be on the Lord? तब कैसे परमेश्वर की ओर ध्यान और एकाग्रता हो सकता है? And in such environment, और ऐसे वातावरण में, there is no peace with God.
परमेश्वर के संग कोई शांति नहीं होगा नॉर विद गॉड्स पीपल ना ही परमेश्वर के लोगों के संग शांति होगा एंड इफ यू हैव पीस विद गॉड और अगर आपका परमेश्वर के संग शांति है यू विल हैव अ पीस विद वन अनदर इन द बॉडी तब आप देह में भी एक दूसरे के संग शांति पूर्वक रहेंगे व्हाट then fills the atmosphere aur isliye kaun si baatein vatavaran ko bharti hain in such kind of environment aise vatavaran mein divisions and party spirit will be the concentration isliye wo samuhvad aur vibhajan mein logo ka dhyan lagega disturbance aur har prakar se pareshan hona pain and anger aur dard aur gussa rumor and gossip aur khuspusana ya phuspusana ek dusre ke vishay mein pride and selfishness aur swarth aur ghamand and misunderstanding aur galat fehmiya and criticism aur dusro ki buraiyan karna all these terrible sins takes prominent in an atmosphere of a division and groupism aur ye sare paap एक ऐसे वातावरण में जहां पर समूहवाद जहां पर विभाजन है जन्म लेते हैं और येट व्हाट आर वी सेलिब्रेटिंग लेकिन फिर भी हम किस बात का उत्साह मना रहे हैं सेलिब्रेटिंग द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हम प्रभु यीशु मसीह को उत्साह मनाते हैं ही इज द एपिटोम ऑफ of a self unselfishness और वो उदाहरण है सर्वोच्च उदाहरण है निस्वार्थपन का ह्यूमिलिटी दीनता का एक्सट्रीम लव और बहुत ही गहरे प्रेम का फॉरगिवनेस क्षमा का एंड एक्सक्रूशिएटिंग पेन और असहनीय दर्द का एंड दैट्स व्हाट जीसस रिप्रेजेंटेड और इसी बात को यीशु दर्शाता है एंड फॉर हूम किसके लिए नॉट फॉर हिमसेल्फ अपने लिए नहीं फॉर द वर्ल्ड लेकिन संसार के लिए For the same people whom we call people of God coming together for worship. उन्ही लोगों के लिए जिन्हें हम परमेश्वर के लोग कहते हैं जो आराधना के लिए एक संग आते हैं. And but in this kind of environment. लेकिन इस प्रकार के वातावरण में. There is also the danger of misrepresentation. एक ऐसा खतरा भी है जहाँ पर हम गलत रीति से दूसरों को दर्शाते हैं. And where division prevails. और जहाँ पर विभाजन परम में है. That is what happened. ऐसा ही होता है. We are misrepresenting the body of Jesus Christ. हम प्रभु यीशु मसीह की देह को गलत रीति से दर्शाते और दिखाते हैं. There is a greater danger. और एक बड़ा खतरा है. And the greater danger is that such things will spread very fast. And grow very fast. एक बड़ा खतरा ये है कि ऐसी बातें बड़ी जल्दी फैलेंगी और बड़ी जल्दी बढ़ती चली जाएंगी. So what is Paul's admonition? और इसलिए पौलुस यहाँ क्या चेतावनी देता है? Paul's admonition was for the Corinthians to correct the sin and do not dishonor God. And His Christ. पौलुस यहाँ ये चेतावनी देता है कि वो अपने पाप से मन फिराएं और प्रभु यीशु मसीह का अनादर ऐसे ना करें. So what are we to do? तो हमें क्या करना है? First of all, in verse 19. पहली बात 19वें वचन में. Is a very important teaching. एक बड़ी ही महत्वपूर्ण शिक्षा है. What does it say? 19वें वचन में क्या लिखा है? He said, "For there must also be factions among you." That those who are approved may be recognized among you. क्योंकि दलबंदी भी तुम में आवश्यक होगी इसलिए कि जो लोग तुम में खड़े हैं वे प्रकट हो जाएं. Yeah, God allows divisions and groupisms within the church for a special reason. कई बार परमेश्वर विभाजन को समूहवाद को कलीसिया में होने की अनुमति देता है एक खास कारण के कारण. Division allows genuine believers to stand out kyunki vibhajan dikhata hai khare vishwasi alag ho jayenge is prakar ki baaton se they will stand out ever so much more kyunki khare vishwasi is prakar jab bhi vibhajan hoga usse dur hokar alag ho jayenge people who are divisive aur aise log jo vibhajan karte hain allow genuine believers to shine
ever so brightly. वो अनुमति देते हैं कि खरे विश्वासी और अद्भुत रीति से अलग से चमकने पाए. Because a divisive person represents darkness. क्योंकि एक विभाजन लाने वाला व्यक्ति दर्शाता है अंधकार को. Always remember. हमेशा इस बात को याद रखिए. So when the church is divided. और इसलिए जब कलीसिया का विभाजन है. The darkness become more dark. तब जो अंधकार है वो और अंधकारमय हो जाता है. But that problem allow genuine believers to shine ever so brightly. लेकिन ऐसी समस्या अनुमति देती है खरे विश्वासियों को और ज्यादा चमकने के लिए. And I understand, I know that you can easily understand that comparison. अब मुझे पता है कि आप सब इस तुलना को अच्छी रीति से समझ सकते हैं. Where the darkness is so dark. जहां पर अंधकार भी इतना अंधकारमय है. The light can shine more brightly. वहां पर ज्योति और अद्भुत रीति से चमक सकती है. And there is also an encouragement here for the ministers. और यहां पर एक प्रोत्साहन भी है सेवकों के लिए. And not only ministers but also genuine true believers. ना केवल सेवकों के लिए लेकिन साथ-साथ सच्चे खरे विश्वासियों के लिए भी. What is the benefit? इसका लाभ क्या है? This kind of spirit of division. इस प्रकार की विभाजन की समस्या. Distinguishes between the divisive and genuine. वो दर्ज एक अंतर को लाती है विभाजन करने वाले लोगों के बीच और खरे विश्वासियों के बीच. Anyone who support and join a division. और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो विभाजन के संग है या उससे जुड़ जाता है. Separating the rest of people from you. तो और दूसरे लोगों को अपने आप से अलग करते हुए. What do they do? वो क्या करते हैं? Such people exposes those who oppose the truth and love. ऐसे लोग दिखाते हैं उन लोगों को जो प्रकाशन में लाते हैं ऐसे लोगों को जो प्रेम से घृणा करते हैं और एकता से घृणा करते हैं. Separates the divisive from the genuine. और इसलिए विभाजित करने वाले को खरो विश्वासियों से अलग करता है. And when the genuineness is there. और जब खराई वहां मौजूद है. That genuineness is light. और वो सच्चाई ही ज्योति है. And the light exposes the darkness. और ज्योति अंधकार को प्रकाशित करती है. Light exposes what? The truth and love. और ज्योति सत्य और प्रेम को दिखाता है. And a divisive person are opposed to truth and love. और ऐसे लोग जो विभाजन लाते हैं वो प्रेम और एकता के खिलाफ खड़े होते हैं. Divisiveness reveals that certain people in the church are not genuine. और विभाजन इस बात को दर्शाता है कि कलीसिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो खरे नहीं हैं. They stand in great danger. और वो बड़े खतरे में खड़े हैं. Unless they repent. जब तक वो मन ना फिराएं. That is Apostle Paul. और ये पौलुस प्रेरित है. And look at 1 Corinthians the same book chapter 1. और इसलिए पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय की ओर हम देखें. Verse 10. दसवां अध्याय. Now I plead with you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that you be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो. Then again, Philippians chapter 1. और उसके बाद फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय. Verse 27. 27वां वचन. 27 says, only let your conduct be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or am absent, I may hear of your affairs. That you stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी जाऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो
और एक ही चित होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। Let's also look into 1 Peter chapter 3 verse 8। और पहला पत्रस उसका तीसरा अध्याय और आठवें वचन की ओर भी हम देखेंगे। 3:8 says, "But beloved, do not forget this one thing, that with the Lord one day is as a thousand years, and a thousand years as one day." 2 Peter, what you are reading? Oh, I am sorry. It is not 2 Peter. First Peter, पहला पत्रस उसका तीसरा अध्याय आठवें वचन में इस प्रकार लिखा है, अतः सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। Oh, finally, all of you be of one mind, having compassion for one another, love as brothers, be tender-hearted, be courteous. That is what unity brings. और यही बात है जो एकता लेकर के आती है। And you may ask then if these divisions and all this kind of abusiveness and everything is not God's will, why God allow? और आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि विभाजन समूहवाद परमेश्वर की इच्छा नहीं है तो परमेश्वर क्यों इसे होने की अनुमति देता है? Because he knows who is genuine and who is divisive. क्योंकि वो जानता है कि कौन खरा है और कौन विभाजन लाता है। But people may have difficulty in distinguishing. लेकिन लोगों को पहचानने में दिक्कत हो सकती है। But this division helps us help the divisiveness to be exposed and the genuine also be exposed. लेकिन इस प्रकार का विभाजन सहायता करता है झूठे लोगों को, विभाजन लाने वाले लोगों को प्रकाशित करने में और साथ साथ खरे व्यक्तियों को सामने लाने में। So look at what the instructions given by Paul and also Peter. और देखिए किस प्रकार से पौलुस और साथ ही साथ पत्रस कैसे दिशा निर्देश देता है। Both have the same answer. और दोनों के पास एक ही उत्तर है। Be considerate. एक दूसरे के प्रति एक दूसरे की चिंता रखो। पीटर से पत्रस कहता है, पीटर से ऑल ऑफ यू बी ऑफ वन माइंड। पत्रस कहता है तुम में से हर एक मन का हो, हैविंग कंपैशन फॉर वन अनदर, एक दूसरे के लिए करुणामय हो, लव एज ब्रदर्स, और एक भाइयों के समान प्रेम रखो, टेंडर हार्टेड एंड बी कर्टियस, और नम्र और कृपामय बने रहो। एंड अपोस्टल पॉल सेड इन 27th ऑफ फिलिपियन, और फिलिपियन के 27वें पहला अध्याय 27वें वचन में पॉल इस बात को कहता है, दैट वी आर नॉट बी पार्ट ऑफ अ डिवाइसिव स्पिरिट इन एनीवन, कि हम किसी के भी संग विभाजन की आत्मा में एक चित एक मन न हो। Wherever there is division, जहां कहीं पर भी विभाजन है, immediately you should be able to realize that it is definitely not the spirit of God. तब आपको तुरंत ही इस बात को पहचान लेना है कि ये परमेश्वर की आत्मा नहीं है। And that's the way you overcome division. और इसी रीति से आप विभाजन के ऊपर विजय पा सकते हैं। You should never support a divisive person. और आपको कभी भी विभाजन लाने व्यक्ति के सहयोग नहीं करना है। If any person tries to divide a congregation, अगर कोई भी व्यक्ति एक कलीसिया को विभाजित करना चाहे, by trying to collect the people of same mind, और लोग ऐसे लोगों को इकट्ठा करने के द्वारा जो एक ही जैसा मन रखते हैं, and set them against others, और दूसरों के विरुद्ध उसे खड़ा कर दें, we are not to be a part of it. तब हम ऐसे जगहों, ऐसे समूह, ऐसे लोगों के संग सहयोग ना करें। And the second thing you will notice here. जो दूसरी बात आप यहाँ पर देखें। Verse 20. 20वां वचन। Go ahead. अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठा होते हो, तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं। That's what happened. और ऐसा ही हो रहा था। Self deception. जहाँ पर आप खुद को धोखा दे रहे थे, corrupted the Lord's supper. जहाँ पर खुद को स्वयं को धोखा देने के द्वारा, so don't live in deception. और इसलिए आप धोखे में ना जिए। Anything that is there contrary and contradicting the word of God. और ऐसी कोई भी बात जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है,
is not God's desire. ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है. God will not be there. और परमेश्वर वहाँ नहीं होगा. And you should not be where God is absent. और आप वहाँ पर नहीं होने चाहिए जहाँ परमेश्वर नहीं है. And neither should you be a reason why God is absent. और ना ही आप वो कारण होने चाहिए कि आप परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ नहीं है. So that is, these are strong words. और ये कठोर शब्द हैं. And always watch out. हमेशा ध्यान रखिए. There will be people always instigating others. ऐसे लोग हर जगह है जो दूसरों को बहलाएंगे. And we must be very, very careful that we avoid anything that can cause even a trace of division. तो हमें बड़ा के ध्यान रखना है कि ऐसे लोगों से हम दूर रखें. Simply put it, साधारण रूप से, the Corinthians were deceiving themselves. कुरिंथ के विश्वासी अपने आप को धोखा दे रहे थे. They thought they were celebrating the Lord's Supper. उन्हें लगा वो प्रभु मेज को मना रहे हैं. They were coming together. वो एक साथ आ रहे थे. And partaking of the bread and cup. और वो रोटी और प्याले में सहभागिता कर रहे थे. And they were deceiving themselves. और वो खुद को धोखा दे रहे थे. While the purpose was remembering and honoring the Lord. जबकि वो प्रभु भोज का उद्देश्य था परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को याद करना और उसका आदर करना. Here they are enjoying. Some are rich, some are poor, some are middle class. और यहाँ पर वो भोज का आनंद ले रहे हैं. कुछ अमीर है, बहुत अमीर है, कुछ अमीर है, कुछ नीचे तबके से आते हैं, कुछ सामाजिक रूप से भी तबके से नीचे से आते हैं. For the feast, you know, the rich will bring what they can afford. और भोज के लिए अमीर ऐसी बात, ऐसे वस्तुओं को लाते थे जो वो खरीद सकते हैं. Middle class will bring what they can afford. और मध्य स्तरीय लोग उन वस्तुओं को लाते थे जो वो खरीद सकते. The poor people will bring what they can afford. और जो गरीब थे वो वही ला सकते थे जो वो ला सकते. So when the meal is going on. और इसलिए जब वो भोज वहाँ हो रहा है. One is enjoying like anything. एक तो बड़ा आनंद के संग खा पी रहा है. drunk, और वो मतवाले हो they जाते हैं. eat good good thing, और वो अच्छी अच्छी वस्तुओं को खाते while some are starving, और जबकि दूसरे भूख से मर some रहे हैं. poor people cannot bring anything, और कुछ भूखे लोग, गरीब लोग कुछ भी नहीं ला सकते. so you expose yourself to be greater, higher than the rest. और इसलिए आप अपने आप को दूसरों से ऊंचा दर्शाते हैं. and how could they concentrate and remember the suffering of Jesus Christ and the love of Jesus Christ in an atmosphere where they were showing off their wealth and styles rather than honoring the Lord. और कैसे वो परमेश्वर की ओर ध्यान और एकाग्रता लगा सकते थे जिस स्थान पर वो अपने घमंड, अपना पैसा, अपना खाना को दिखाते थे. So my brothers and sisters. और इसलिए मेरे भाइयों और बहनों. First of all, we need to understand what the Lord's Supper is. हमें इसलिए समझना है पहले कि प्रभु भोज है क्या. It is also called the table of the Lord. इसे हम प्रभु की मेज भी कहते हैं. What is it? ये है क्या? It is not like a memorial service in which we mourn and cry. याद रखिए, ये यादगार की कोई सभा नहीं जिसमें हम रोते हैं, शोक मनाते हैं. Lord's Supper is a celebration. लेकिन प्रभु भोज तो एक उत्साह है, एक पर्व है. Celebrating Jesus. हम यीशु का उत्साह मनाते हैं. And when we celebrate Jesus, जब हम यीशु का उत्साह मनाते हैं, there are two parts. दो भाग हैं. The first thing is his suffering. पहले है उसकी तारनाएं. Is agony. उसका दर्द. Is excruciating pain. उसका असहनीय दर्द. And the shame. और वो शर्म. And the curse of the cross. और वो क्रूस का श्राप. And ultimate death. और उसके बाद अंत में मृत्यु उस क्रूस पर. Oh, my dear brothers. मेरे प्रिय भाइयों. When you think of that, you may ask, how can we celebrate this? और जब आप इस विषय में सोचें, तो आप ये पूछ सकते हैं कि कैसे हम इस बात का उत्साह मना सकते हैं? Nevertheless. लेकिन फिर भी. It will become a celebration when we think of the outcome of it all. ये बात एक उत्साह, एक पर्व बन जाएगी जब हम इस क्रूस का जो परिणाम स्वरूप हुआ उस बात को देखें. What is the outcome? और उसका परिणाम स्वरूप. Satan has been defeated. शैतान हरा दिया गया है. Sin and curses were broken its power, their power. और श्राप और पापों की शक्ति को तोड़ दिया गया है. The most dangerous and greatest enemy of human soul is death, and that death itself
has died. और जो मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन मृत्यु, उसे भी प्रभु यीशु मसीह ने हरा दिया. Hallelujah. Hallelujah. And the ultimate result of a resurrection of Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का परिणाम स्वरूप. And as he rose again. और जैसे वो मरे हुओं में से जी उठा. He could declare to the world. वो संसार को घोषणा किया. I was dead. कि मैं मर चुका था. But behold, I am alive. लेकिन देखो मैं फिर से जी उठा. I am alive forevermore. अब मैं हमेशा के लिए जीवित. And now I hold the keys of hell and death. और अब मैं नर्क और मृत्यु की कुंजियां मेरे पास है. The devil no longer has any power or any authority over these things. और शैतान के पास अब कोई शक्ति या सामर्थ्य इन बातों के ऊपर नहीं. Now I am the resurrection and the life. लेकिन पुनरुत्थान और जीवन अब मैं ही हूं. That is the outcome of his suffering. और यही उसके दुख उठाने, तारना उठाने का परिणाम. And so when we realize this, और जब हम इस बात को समझते हैं, you combine it together, आप इस बात की तुलना करते हैं, it gives us a greater reason to celebrate Jesus and his victory and his agony and sufferings was for this purpose. और ये वो हमें एक बड़ा उत्साह देता है कि ये सारा कष्ट और ताड़ना सिर्फ हमारे लिए था. Salvation has been done. और वो उद्धार हमारे लिए जीत लिया गया है. And so this remembering of Jesus in a celebration cannot be observed properly and we receive the benefit of this celebration if there is a spirit of division and differences. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह की मेज का उत्साह हम तब तक नहीं मना सकते और उसके सामर्थ को अपने जीवनों पे तब तक नहीं देख सकते जब तक ये विभाजन मौजूद है. If there is this atmosphere of division. अगर ये विभाजन का वातावरण बना हुआ है, an atmosphere of this divisive spirit, और समूहवाद या बांटने की आत्मा वहाँ मौजूद है, what were they showing there? वो वहाँ पे क्या दिखा रहे? They were showing off their wealth and styles rather than honoring the Lord. और वो अपने घमंड को, अपने पैसे को, अपने कपड़े को, अपने खाने को दिखा रहे थे इसकी बजाय कि परमेश्वर का आदर. So Apostle Paul says, और इसलिए पौलुस प्रेरित कहता है, their gathering together was meaningless. उनका एक साथ इकट्ठा होना अर्थहीन था. And useless. और उसका कोई जरूरत ही नहीं. And no spiritual edification. और कोई भी आत्मिक रूप से शुद्धता नहीं, बढ़ाई नहीं. They all went their home, some broken and ashamed and some proud and with a high spirit because they showed themselves to be higher than the rest. उनमें से कई अपने घर की ओर लौटे टूटे हुए, भूखे और प्यासे, और कई लौटे बड़े घमंड के संग क्योंकि उन्होंने अपनी कपड़े, अपने खाने और अपने पैसे को दिखाया. Galatians chapter 6 verse 3. गलातियों की पत्री 6 अध्याय 3 वचन. We have these words, that it may be well with you and you may live long on the earth. Galatians. गलातियों की पत्री 6 अध्याय 3 वचन. क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है. For if anyone thinks himself to be something when he is nothing, he deceives himself. That is the spirit of deception. And verse 7 says, सातवां वचन कहता है, do not be deceived. धोखा ना खाओ. God is not mocked. परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता. For whatever man sows, that he will also reap. क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा. It is a divine rule. और ये स्वर्गीय कानून है. Whatever you sow, you reap. जो आप बोएंगे वही काटेंगे. And you may sow a small amount, but you reap a bigger amount. हो सकता है आप कम बोएं लेकिन बड़ा काटें. Remember that. हमेशा इस बात को याद रखिए. So let us keep ourselves from being deceived and being deceptive. और इसलिए अपने आप को धोखा खाने से और धोखा देने से हम बचा करके रखें. James chapter 1 verse 26. याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 26वां वचन. Let us read this and conclude this. आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे और आज के अध्ययन को समाप्त करेंगे. James. यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है. Chapter 1 verse 26.
If anyone among you thinks he is religious and does not bridle his tongue but deceives his own heart, this one's religion is useless. No matter what we show to be ourselves in public. और ये मायने नहीं रखता आप सार्वजनिक रूप से अपने आप को कैसे दिखाएं, लेकिन अगर आपकी जीभ पर आपने लगाम नहीं रखी है, God knows you. सब अर्थ ही God knows you. परमेश्वर आपको जानता है. He knows the real you. और वो आपके सच्चे व्यक्तित्व को जानता है. And you know only the deceptive part of you. और आप सिर्फ अपने धोखेबाज भाग को जानते हैं. You know, anyone who does not confirm their attitude, their behavior, their relationship in conformity with God's word. और ऐसा कोई भी जो अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को परमेश्वर के वचन अनुसार नहीं रखता, and wants to project himself to be greater than others, और अपने आप को दूसरों से बेहतर दिखाने की कोशिश करता है, he is deceiving himself. वो अपने आप को धोखा देता है. You know how you deceive yourself. आपको पता है आप अपने आप को कैसे धोखा देते हैं? The same James says. और याकूब भी कहता है. You know, if you don't live according to God's desire for you, आप परमेश्वर की इच्छा अनुसार अपने लिए नहीं जीते, showing concern for the widows and the fatherless, और विधवाओं और अनाथों के लिए चिंता करते हो, and yet you project yourself a very religious man, और फिर भी अपने आप को बड़ा भक्तिमय आप दर्शाते हैं, you are deceiving yourself, अपने आप को धोखा देते हैं, you are like a man who looks into the mirror. आप उस व्यक्ति के समान है जो शीशे में दर्पण में देखता है, and have an overall look at yourself, आपने को पूरे रूप से देखता है, and then you leave the mirror, और उसके बाद आप शीशा छोड़ते हैं, immediately you also forget how you look like, और आप तुरंत ही भूल जाते हैं कि आप कैसे दिखते हैं. The word of God is like a mirror. और इसलिए परमेश्वर का वचन एक दर्पण, एक शीशे के समान. Sometime it can happen the same thing to us. और ऐसा ही कई बार हमारे साथ भी हो सकता है. We look into God's word. हम परमेश्वर की वचन और देखते हैं. See ourselves. अपने आप को देखते हैं. How we are. हम कैसे हैं. And then we get up and go. और फिर इसके बाद उठते हैं और चले जाते हैं. We forget the whole thing. हम भूल जाते हैं सब. And we don't even correct ourselves. अपने आप को हम सही भी नहीं करते. Brothers and sisters. भाइयों और बहनों. Apostle Paul and James and Peter, these apostles have exhorted us. Paulus prerit Petrus और याकूब, इन सब ने हमें अपने वचन दिया है. Be genuine in our Christian life. हम अपने मसीही जीवन में खरे बने रहें. Be humble. दीन बने रहें. God may have given you some extra money. हो सकता है परमेश्वर ने आपको कुछ ज्यादा पैसे दिए. Or a higher position. और या एक ऊंचा स्थान. And a greater conveniences. और हो सकता है और सारी वस्तुएं. Be grateful to God. परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहे. He has trusted you. उसने आप पर भरोसा रखा. That you will not use whatever you have in order to show yourself to be greater than others. कि आप उन बातों को जो आपको परमेश्वर ने दी हैं, उन्हें दूसरों को नीचा दिखाने के लिए प्रयोग नहीं. Let us be humble before God. उन्हें हम परमेश्वर के सम्मुख दीन हो जाएं. Let us consider others better than ourselves. दूसरों को अपने आप से बेहतर समझें. And thus reveal Christ. और इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करें. His character. उसके चरित्र को. And let us bring forth fruit. और फल को सामने. The fruit of the spirit. आत्मा का फल. The fruit of the spirit is actually the character of Jesus. और आत्मा का फल प्रभु यीशु मसीह का चरित्र है. May the Holy Spirit help us. पवित्र आत्मा हम सब का सहायता करे. Let us concentrate on Jesus. प्रभु यीशु मसीह पर हम अपने ध्यान को रखें. Celebration of Lord's Supper. प्रभु भोज को जिस तरीके से all about Jesus. सिर्फ यीशु मसीह के विषय में. And what he stands for. और वो जिन बातों के लिए खड़ा है. Let his character be seen in you. होने दे उसका चरित्र आपके भीतर दिखे. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we thank you. परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं. We praise you, Lord. हम आपके नाम का स्तुति करते हैं. For the enlightening word that has come to us. जो प्रकाशित महेश वचन जो हमारे पास आया. Lord, we all can be very careless even while we celebrate the Lord's Supper. प्रभु हम भी, हम में से कई बड़े हल्की रीति से प्रभु भोज में सहभागिता कर सकते हैं. And thus we are dishonoring God. और इसके द्वारा तेरा अनादर करते हैं. The Lord's Supper is a place and time when we honor God the highest. लेकिन वो तो एक ऐसा स्थान है जहाँ परमेश्वर सर्वोच्च मान का आदर करते हैं. And anyone who partake of the Lord's Supper. और ऐसा कोई भी जो प्रभु मेज में सहभागिता करे. Must show the character of Jesus outside. वो प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को बाहर दिखाने पाए. May the Lord help you. परमेश्वर आपकी सहायता करे. May the Holy Spirit
Oh, Holy Spirit of God, you come and guide us and lead us and give us that spirit of humility and the spirit of oneness. परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप आइए हमारा मार्गदर्शन करिए वो एकता और एक मन का आत्मा हमें दीजिए. That we will not look at others lower than ourselves or poorer than us, but we look at others as a brother. As a sister. ताकि हम दूसरों को एक समान अपना भाई और बहन के रूप में देखने पाएं. And love them. और उनसे प्रेम रखने पाएं. We give you the glory and honor. आदर और महिमा आप ही को देते हैं. May your word abide in us very richly. मुझे तेरा वचन बहुत आयत से हमारे अंदर वास करे. In Jesus name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. Remember tonight, God wants you to enjoy a good sleep and rest. आज की रात्रि चाहता है कि आपको एक अच्छी नींद मिले आराम मिले. When you go to bed after worshiping and praising and praying and thanking God. जब आप आराधना प्रार्थना और स्तुति करने के बाद अपने बिस्तर पर जाते हैं. Pray for the salvation of souls. आत्माओं के उद्धार के लिए प्रार्थना करें. For the edification of the church by your life. कलीसिया के शुद्ध किए जाने के लिए प्रार्थना करें. Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु. Amen. Amen.